करने को जा रहे हैं बोर्ड्स में कमीशन हमारे बीच इस वक्त हमारे जिला के बारामूला श्री मीना शिल्पा जी हैं और हमारे साथ तहसीलदार बारामूला मोहतरमा साफिया जी भी हैं। यहाँ पर जितने ही आए हुए बच्चे कॉलेज से, हायर सेकेंडरी से, मीडिया से और जितने भी हमारे ये नंबरदार सरपंच या जितने भी चौकीदार हैं, लोग हैं, यहाँ पर वोट्स वाले हैं, इनके लिए आज हमने एक अवेयरनेस कैंप रखा है रिलेटेड टू वोटिंग। कि मैं अपने डिप्टी कमिश्नर बारामूला जो हमारे जिला के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी हैं, जो बेसिकली यहाँ से हम शिकारा रैली कर रहे हैं, ये बेसिकली जो स्वीप प्रोग्राम होता है जो वोटर अवेयरनेस के तहत हम कर रहे हैं। तो आप सबको बताएं कि बारामूला जो फिफ्थ फेज ऑफ इलेक्शन के 20 मई को हमारे यहाँ वोटिंग हो रही है, उसके तहत तो जनरेट अवेयरनेस की कैसे वोटिंग करें, हमारे पास जैसे यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, कौन कौन से आप डॉक्यूमेंट्स लेके पोलिंग स्टेशन जा सकते हैं, डिफरेंट इशूज अबाउट इलेक्शन को अवेयरनेस करने के लिए जिला बारामूला में आप सबको पता होगा कि बलबीर साहब जो कि हमारे स्वीप के नोडल ऑफिसर भी हैं, इनके साथ और जितने भी हमारे ARO's हैं वो सब प्रोग्राम्स कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा मतलब में भी प्रोग्राम हुआ, नडूरा में भी प्रोग्राम हुआ, गुलमर्ग में भी प्रोग्राम हुआ, उसी सीरीज़ में आज ये बारामूला में भी प्रोग्राम हो रहा है जो बारामूला असेंबली सेगमेंट के लिए है। तो मैं सबको आज वेलकम करता हूँ। मैं आप सबसे मीडिया वालों के दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी अवेयरनेस करें, स्पेशली रिगार्डिंग आप सबको पता होगा इलेक्शन कमीशन ने साल कई सारी नए फैसिलिटीज़ दिए हैं, जैसे 85 प्लस जो वोटर्स हैं उनको होम वोटिंग की फैसिलिटी दी है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो 40% से ज़्यादा बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं उनको भी होम वोटिंग की फैसिलिटीज़ दी हैं। तो ये सारे अवेयरनेस कैंप इसी कारण से कि जो जो नए इनिशिएटिव्स हैं इसको हम लोग आवाम तक पहुँचाएँ। चलिए 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 चलिए। आपको पता है कि बारामूला में टोटल 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो ये 7 असेंबली सेगमेंट्स हैं, इन सब असेंबली सेगमेंट्स में वोटर अवेयरनेस के लिए हर सेगमेंट में हम एक बड़ा सा प्रोग्राम कर रहे हैं। आपने देखा होगा इसकी शुरुआत हुई थी मतलब में, उसके बाद आपने देखा होगा कि गुलमर्ग में भी एक इवेंट हुआ था गुलमर्ग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, उसके साथ साथ पूरी में भी हुआ था जो पूरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो इसी के लिए बारामूला में आज ये बारामूला असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए हो रहा है। इन कैंपों के दौरान हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा हो सके हम यंगस्टर्स, स्पेशली आप देखेंगे भारी मात्रा में यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, इन स्टूडेंट्स को हम चाहते हैं कि इंगेज करें इलेक्शन प्रोसेस में। आप देखेंगे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो 18+ हैं, 18+ होने वाले हैं, तो स्पेशली उनको अपने वोटर राइट्स के बारे में कैसे एनरोलमेंट करना है, कैसे पोलिंग स्टेशन में जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इन सब के लिए हम इनको तैयार कर रहे हैं। और इन इवेंट्स के दौरान आपके थ्रू हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगामी इलेक्शंस में आएँ और वोट करें। इन सारे जितने भी इवेंट्स हुए होंगे आप सबने देखा होगा, आप सबने काफ़ी में पार्टिसिपेट भी किया होगा, हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं इन इवेंट्स में ना कि सिर्फ इलेक्शन अवेयरनेस के बारे में स्मॉल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, कल्चर एक्टिविटीज भी रखें जिससे हम बेसिकली लोगों को एंगेज कर पाएँ, क्योंकि मेन जो हमारा जो स्वीप का मकसद भी यही है कि बेसिकली लोगों को इलेक्शन के बारे में अवेयर कराए, इलेक्शन प्रोसेस के बारे में अवेयर कराए। तो हम कोशिश करेंगे जैसे हम पहले सारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज और सेगमेंट्स को कवर करना चाहते हैं, अगर टाइम हमारे पास होगा तो हम कोशिश करेंगे एक और राउंड करें, सो दैट क्योंकि रिस्पॉन्स जो हमें पब्लिक का आ रहा है, स्पेशली यंगस्टर्स से आ रहा है, जो डिफरेंट सोसाइटीज से आ रहा है, बड़ा ही अच्छा आ रहा है। हम कोशिश करेंगे जितना हो सके इसको हम एक्सटेंड करें सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम कनेक्ट कर पाए। इलेक्शन की सारी जो तैयारियां ऑलरेडी हम लोग मुकाम पे हैं, हमारा जैसे मैंने बताया फिफ्थ फेज में इलेक्शन हो रहा है, जितनी भी हमारी तैयारी आपने देखा होगा कल ही आप सब ने कवर भी किया था, जो हमारे फर्स्ट राउंड ऑफ रैंडमाइजेशन होता है जिसमें हमारी सारी जितनी भी बारामूला में पॉलिटिकल पार्टीज उन सारे के रिप्रेजेंटेटिव आए थे, हमारे सारे असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स भी आए थे, उनके सामने हमने रैंडमाइजेशन की थी। उसके अलावा जो बाकी काम है अगर हम बात करें स्पेशल समरी रिवीजन का, वो भी कंप्लीट हो गया है। जैसे जैसे आगे टाइम शेड्यूल होगा
उसके हिसाब से और कार्यवाही होती रहे। शुक्रिया।